नमस्कार, मैत्री न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कुरावली थाना क्षेत्र के गांव फरीकपुर में पिछले 3 दिसंबर को ही 20 वर्षीय युवक की हत्या पर मैनपुरी पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस कप्तान ने बताया, युवक की हत्या जमीन के लालच में उसी के चचेरे भाई ने की है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र कुरावली के ग्राम फरीकपुर का है, जहाँ 20 वर्षीय किशनलाल को उसी के घर में सोते समय हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के चचेरे भाई धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ अभियुक्त धर्मेंद्र ने बताया कि उसके चाचा के 4 पुत्र हैं, उनमें से मृतक किशनपाल ही स्वस्थ है, बाकी 3 मंदबुद्धि हैं। किशनपाल को 13 दिसंबर को शादी होनी थी। किशनपाल के पिता का 10 वर्ष पहले स्वर्गवास हो चुका है। मृतक किशनपाल के पिता ने के पास 10 बीघा जमीन है। अभियुक्त धर्मेंद्र ने बताया कि शादी के बाद मृतक किशनपाल का वंश बढ़ जाता और 10 बीघा जमीन हाथ से निकल जाती। जमीन के लालच में उसने किशनपाल की सोते समय तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने अभियुक्त धर्मेंद्र की निशानदेही पर तमंचा भी बरामद कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। 3 तारीख को कुरावली थाना क्षेत्र में एक नौजवान की हत्या हुई थी, जो अपने चचेरे भाई के बरामदे में लेटा हुआ था। चचेरे भाई ने यह पुलिस को एक सूचना इतला दी थी, FIR कराया था कि हजार लोगों ने उसके भाई की हत्या कर दी है। जब इस पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी, पूरा साक्ष्य संकलन हुआ, तथ्यों को जो हमने रेखांकित किया, तो कुछ तथ्य इस प्रकार से आए कि ये जो युवक मारा गया, इस कुल 4 भाई हैं, इसकी माँ भी और उसके अन्य 3 भाई भी हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं। उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और इस जो युवक जो उस FIR का शिकायतकर्ता था, मुकदमे का वादी था, इसने उनकी ज़मीनों को बिकवाया। 2008 में काफ़ी ज़मीन बिकवाई थी, जो करीब 12 लाख में बेची गई थी। उस समय मृतक छोटा था, जब बड़ा हुआ है, इसने इसकी शादी तय हो गई है, तो इसने उस पैसे की डिमांड करना शुरू कर दिया। दूसरी वजह ये लगा कि अब ये समझदार हो रहा है, शादी भी करेगा, इसका परिवार, इसकी पीढ़ी भी आगे चलेगी। अब तक शादी कोई संभावना नहीं थी। जो बची खुची 8-10 बीघे ज़मीन और इस परिवार के पास है, इस युवक की, जो मुकदमे का वादी, उस ज़मीन पर भी निगाह थी। इन दोनों वजहों से इसी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस निशानदेही पे हत्या में प्रयुक्त किया गया असलहा बरामद हुआ है, उसमें इवन कारतूस भी पड़ा हुआ, जिस कारतूस की गोली से उस युवक की हत्या हुई थी, वो भी मिला हुआ है। हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है, इसमें अग्नि तरह कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।